बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इशरह ली सदरी वयस्सर ली अमरी वाहलुल उक़दता मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, इस वक्त गुजरांवाला के अंदर जैसा कि आपको पता है कि तहरीक लबे पाकिस्तान की तरफ से कुरान पाक के हवाले से पूरे पाकिस्तान के अंदर रैलियाँ निकाली जा रही हैं। इस वक्त गुजरांवाला के अंदर भी रैलियाँ निकाली जा रही हैं, तो रैली कुछ मेरे पीछे है लेकिन उस आगे मैं खड़ा हूँ। कुछ कारकुनान मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि इससे पहले क़यादत के मुतल्लिक़ जो सवाल पूछे गए थे वो भी मैंने अपलोड किए हैं, आप देख सकते हैं उसमें। तो कारकुनान से पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में कि कुरान पाक की बेहुरमती हुई लेकिन जो मार्च निकाला जा रहा है वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर निकाला जा रहा है, क्या वजह है इसकी? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी आप? कदीर अहमद मुस्तफाई जी। माशाल्लाह, आपकी तहरीक पाकिस्तान जो पार्टी है, आपके लीडर की तरफ से हुक्म दिया गया कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कुरान पाक के हवाले से मार्च निकाले जाएँ। माशाल्लाह, हम देख भी रहे हैं, निकले हुए हैं। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जिन्होंने कुरान जलाया या जो इस मामले में बाहर नहीं निकले? भाई, ये तो जिसका जितना ताल्लुक है ना कुरान से, यह हर उस बंदे पे फ़र्ज़ है कि वो बाहर निकले। जिन लोगों ने, जो हमारे हुक्मरान हैं जिनको कुरान पाक की एक आयत पढ़नी नहीं आती, वो क्या जाने कुरान पाक की कुरान पाक की अहमियत क्या है। ठीक है, आज मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में हमारा इस्लामी लेवल इस तरह का हो गया है, हमारी बहन को हमारी इज्जतों पे अगर कोई हाथ डाले तो हम उसके अंदर से गुजर जाते हैं, हम हर चीज़ फना कर देते हैं। लेकिन जिसकी खातिर हमारा ये दीन इस्लाम मुल्क पाकिस्तान जो जिस इस्लाम की खातिर बना है, उस पर हम किसी तरह का कोई भी हम जो है ना उस पर एक्शन नहीं लेते। अब स्वीडन हो या फ्रांस हो, फ्रांस ने ये मामला किया, अगर हमारे हुक्मरान, अगर फ्रांस को उस वक्त किसी भी जो भी गुस्ताख मुल्क है उसको उसी वक्त आंखों में आंखें डाल के उससे बात करता, तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा कोई यहूदों ने सारा को इस तरह की गुस्ताही कर सकता। वो तो फ्रांस के साथ जाकर जफ्फे डालते थे, उनसे इमदाद भी ले आया, तो इन्होंने क्या जवाब देना है? भाई, यही तो बात है ना, जिनको मैं कह रहा हूँ इस्लाम का पता ही नहीं, जो इया का ना बुदू पढ़ के आगे उन्होंने लड़कियाँ नचवानी है, वहाँ पे एक तरफ रमज़ान में तराबियाँ हो रही हैं, दूसरी तरफ अपनी कुर्सी की खातर, इकतदार की खातर उन्होंने डिस्को डांस और हर चीज़ हुई है। आपने लाहौर में देखा होगा सारे मामला अपनी एक। आप मुझे बताएं, पीछे हकीकी जहाद, जहाद ऐसा कौन सा जहाद है कि जो एक गोली खा के वापस हो जाता है? सुबह आप रोडों पे निकलते हैं, आवाम को लेके तंग करके निकलते हैं अपने इकतदार की खातर, कुर्स की खातर, लेकिन इस्लाम की खातर आज तक मुझे बताएं कौन सा लीडर निकला? सिर्फ एक बयान होता है, मुजम्मती बयान। लेकिन ये बताएं ना, जिनकी आप बात कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि तहरीक लबे पाकिस्तान वाले हमारी हुकूमत के दौरान तो निकले थे, और जब ये नून लीग की हुकूमत जाके उनके साथ मिलती है, बैठती है, जफ्फे डालती है, जाहिर है गुस्ताख तो वही है ना, वो तो नहीं बदले, तो फिर तहरीक लबे पाकिस्तान बाहर क्यों नहीं निकले भाई, रोडों पे क्यों नहीं आए? ये सारे चटुवटे एक ही हैं, नून लीग हो, पीटीआई हो, पीपल पार्टी हो, ये सब एक है। ठीक है, ये सारे के सारे एक मिले, इनके पास सब जब भी कभी को दीन पे या किसी किस्म की को बात आती है सबसे पहले इनका सवाल ही होता है कहाँ है जी टीएलपी वाले। अच्छा, इतनी मुनाफ़त है, इतनी मुनाफ़त है, एक बंदा कहेगा कि टीएलपी वाले कहाँ हैं? अब हम ये टीएलपी वाले निकले ना बाहर, ये उनको दिखाने के लिए या किसी के अल्फाज के लिए नहीं निकले, हम तो उन्होंने रब्ता किया आपके साथ क्योंकि कुरान पाक तो सबके लिए एक ही किताब है। देखे ना, आप खुद देख सकते हैं मीडिया वाले हैं कि किसने अभी तक कोई इस तरह का मुसम्मत बयान किया। आप देखें कि हम उनके लिए नहीं निकले या हम उनको दिखाने के लिए नहीं निकले। टीएलपी हमेशा, मैं समझता हूँ इस दौर में ये वाहद ऐसी जमात है कि जो सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के दीन की खातिर रोडों पर निकल दिया। तो जहाँ ये मामला हुआ आप वहाँ पर जाकर ये एहतजाज करें, यहाँ आपको क्या फ़ायदा होना? भाई, हमारे देखें फ़ायदा फिर इस तरह, तो फिर अगर कल को आपका नमाज पढ़ने से कोई रोकता है आप चुप करके घर में बैठ जाएं। ठीक है, अब देखें जुल्म, जो जुल्म है जुल्म के खिलाफ अगर आप नहीं निकलते बाहर, आप अगर अपनी आवाज़ भी बुलंद नहीं करते, आप भी उसमें शरीक हैं। हज़रत सालेह अलैहि सलाम, उनकी ऊँटनी को चार बंदों ने मारा था और पूरी कौम पर कहत नाजल हुआ था। अब ये मुझे बताएं कि बाज़ारों के हालात, ये जो मुल्की हालात इस वक्त, ये क्यों हैं? ये इस वजह से नहीं है, ये सिर्फ इस वजह से है कि हमने हजूर की इज्जत पे हमने पहरा नहीं दिया। अगर हमारे हुक्मरान अगर इस चीज़ पे पहरा देते तो आज मुल्क की मैशियत भी ठीक होनी थी और आज मुल्क का निज़ाम भी ठीक होना था। ये तो इतने गद्दार है कि उन्हीं जिन लोगों ने हमारा ईमान पाश पाश किया उन्हीं से ये फंड लेते हैं।